तो भाई आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ये बताने वाला हूँ कि तुम लोग पिक्सल पीक्स को किस तरीके से मास्टर कर सकते हो। अब पहले मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि पिक्सल पीक होती क्या है। तो भाई पिक्सल पीक ना एक बहुत ही छोटी पीक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप पिक्सल पीक करके एनिमी को मारते हो ना, तो एनिमी आपको ईजिली मार नहीं पाता, और कभी कभी तो एनिमी आपको स्पॉट भी नहीं कर पाता। मतलब समझ रहे हो आप लोग, मतलब एनिमी को दिखोगे भी नहीं और आप लोग मार भी दोगे एनिमी को। तो भाई देखो, ये है अपनी नॉर्मल पीक, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो एनिमी पूरा कवर के बाहर एक्सपोज हो रहा है और मैं इजीली एनिमी को स्पॉट करके मार सकता हूँ। और वहीं पे दूसरी तरफ अभी आप लोग देख सकते हो एनिमी स्मॉल पीक कर रहा है, मतलब भाई एनिमी मेरे को सही से स्पॉट भी नहीं हो रहा है और एनिमी ने मेरे को नॉक भी कर दिया। अभी भाई देखो सामने से बंदा आ रहा है और देखना मैं कितनी छोटी पीक लेकर इसको मारूंगा। और अभी तुम लोग एनिमी का पॉइंट ऑफ व्यू देखो। तो भाई देखा तुमने, जब तक एनिमी मेरे को स्पॉट कर पाया उससे पहले ही मैंने एनिमी को मार भी दिया। अब गाइस मैं तुम लोगों को एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। Expired! तो भाई अब तुम लोग एनिमी का पॉइंट ऑफ व्यू देखो। तो भाई जो ये स्मॉल पीक है ना, ये कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि गाइस इसमें ना दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होगा कि सामने वाला एनिमी तुम्हें सही से स्पॉट नहीं कर पाएगा, और दूसरी चीज़ अगर एनिमी तुम्हें स्पॉट भी कर लेता है और एनिमी का एम भी अच्छा है ना, तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि एनिमी तुम्हें नॉक कर पाएगा, क्योंकि तुम बहुत वहाँ पे छोटी पीक दे रहे होते हो। और गाइस ये तो हो गई कॉम्पिटिटिव की बात। अगर तुम लोग क्लासिक प्लेयर हो या फिर तुम लोग टीडीएम प्लेयर हो ना, और तुम स्मॉल पीक्स को मास्टर कर लेते हो, तो भाई तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो भाई अब तुम लोग ये तो समझ गए होगे कि स्मॉल पीक्स के फायदे क्या क्या हैं। अब मैं तुम लोगों को ये बताने वाला हूँ कि तुम लोग स्मॉल पीक्स को मास्टर कैसे कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मैं तुम लोगों को सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, जब भी हम लोग पीक करते हैं ना, तो हमारा एम भी थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाता है। मतलब अगर आप लोग राइट पीक करोगे तो आपका एम थोड़ा राइट में चले जाएगा, और लेफ्ट पीक में आपका थोड़ा एम लेफ्ट की तरफ को चले जाएगा। मतलब कि आपका एम अगर एनिमी के हेड पे भी है ना, तो पीक करने के बाद आपका एम थोड़ा वहाँ पे खराब हो जाता है। तो इसलिए स्मॉल पीक्स को प्रैक्टिस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों को अपना एम कैसे फिक्स करना है, क्योंकि स्मॉल पीक्स का क्या फ़ायदा जब आप एनिमी को गोली ही नहीं मार पाओगे। तो भाई अभी मैं आप लोगों को ना कुछ ड्रिल्स बताने वाला हूँ, वो ड्रिल्स आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो भाई सबसे पहले ड्रिल में तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे सामने जितने भी टारगेट्स हैं ना ट्रेनिंग ग्राउंड में, तुम्हें किसी भी टारगेट पे रैंडमली पीक एंड फायर करना है। मतलब आपको कोई भी टारगेट दिख रहा है उसके हेड पे एम करो और भाई पीक एंड फायर। और आपको है ना ये ड्रिल 5 मिनट प्रैक्टिस करनी है, और गाइस इससे ना आपके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। और भाई अगर तुम लोग बिगनर हो ना, तो तुम्हें मेरी तरह फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को बस इस चीज़ पर फोकस करना है कि तुम्हारा एम सही जा रहा है। अगर तुम लोगों का एम खराब है और तुम्हारी स्पीड अच्छी है ना, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो भाई अभी हम चलते हैं भाई ड्रिल नंबर 2 पे। तो भाई हमें इस जगह पे आ जाना है, और जैसा कि हमने पहले ड्रिल में किया था, हमें रैंडमली किसी भी टारगेट के ऊपर पीक एंड फायर करना है। और भाई इस वाली ड्रिल से है और पहले वाली ड्रिल से ना तुम्हारा एम एकदम बैठ जाएगा, उसके बाद हम लोग स्मॉल पीक्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो भाई अब तुम्हारा एम तो ठीक हो गया, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें स्मॉल पीक करनी कैसे है। तो भाई देखो तुम्हें ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, तुम्हें ना कवर से बिल्कुल भी क्लोज होकर नहीं खड़े होना है, नहीं तो तुम सही से पीक नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें कितना कवर से दूर खड़े होना है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो भाई अगर तुम्हारी गन थोड़े नीचे की तरफ को फेस कर रही है ना, मतलब तुम गलत खड़े हो, तुम कवर के ज़्यादा क्लोज खड़े हो, तो तुम्हें कवर के थोड़ा पीछे जाना है। और अगर तुम्हारी गन कुछ इस तरीके से है, तो बिल्कुल सही खड़े हो तुम, तो मतलब तुम्हें कवर से एटलीस्ट 1 से 2 मीटर दूर खड़े होना है। और फिर जो सामने टारगेट्स हैं ना भाई, तुम्हें इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप लोग स्कोप खोलो, तो आपके स्कोप में सिर्फ इतना सा पार्ट कवर का दिखे। मतलब अगर इससे ज़्यादा पार्ट दिख रहा है, तो मतलब आपकी गोलियां कवर में लगेंगी। अगर इससे कम दिख रहा है, तो मतलब आप अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हो, उस केस में आप लोगों को कवर के अंदर आना है। और आप लोग ना इस चीज़ की प्रैक्टिस यहाँ पे आके कर सकते हो। और आप लोगों को एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी दूसरे टारगेट पे एम शिफ्ट कर रहे हो और आप लोगों को लग रहा है कि आप अपनी बॉडी ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हो, तो आपको अपनी जोस्टिक को कवर की तरफ ड्रैग करना है। और भाई अगर तुम रोज 5 मिनट भी इन ड्रिल्स को प्रैक्टिस करते हो ना, तो तुम्हारी पीक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। तो भाई अब चलते हैं अपनी 4th ड्रिल पे। तो भाई तुम्हें इस जगह पे आना है, और यहाँ पे आके तुम्हें अपनी स्मॉल पीक्स की प्रैक्टिस करनी है। और गाइस यहाँ पे ना आप लोगों को अपनी जोस्टिक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कि आप लोगों को जोस्टिक कितनी कवर में लेनी है दूसरे टारगेट के ऊपर एम शिफ्ट करते हुए। और तुम लोग यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स की पीक्स को मास्टर कर सकते हो। तो भाई मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सभी टिप्स और ड्रिल्स बता दी हैं, जिससे कि आप लोग स्मॉल पीक्स को मास्टर कर सकते हो। पर गाइस अगर आप लोगों की पीक की सेटिंग्स खराब होगी ना, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है पीक्स को मास्टर करने में। तो मेक श्योर करना कि आप लोग मेरी पबजी सेटिंग्स वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आप लोगों को प्रॉपरली बताया हुआ है कि आप लोगों को अपने कंट्रोल्स के हिसाब से किस तरीके से अपनी सेटिंग्स को सेट करना है। और वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, हम लोग 30K के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं।